Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कि आपके ख्याल में आज एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ खड़ी है? इल्ज़ाम तो लग रहे हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है या तहरीक इंसाफ के साथ है? एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सभी के साथ है। एस्टेब्लिशमेंट वैसे भी जो है वो उसकी पॉलिसी जो है वो ऐसी ही रही है कि वो एक को कहती है कि तुम आगे बढ़ो, दूसरे को कहती है कि ये आगे आ रहा है इसको पकड़ो। एस्टेब्लिशमेंट जो है एक सोच का नाम है, ये कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं है, ये एक सोच का नाम है। और उस सोच के लोग जो है वो मीडिया में भी हो सकते हैं, वो सियासी जमातों में भी हो सकते हैं। ये परवेज़ इलाही जो है ये जब कह रहा था कि मैं 10 मरतबा जो है वो जनरल मुशर्रफ को मुंतखब कराऊँगा, तो ये एक इस्टेब्लिशमेंट की सोच थी ना, तो ये एक सोच का नाम है। और ये सोच जो है ये हर जगह पे मौजूद हो सकती है और हर तरफ जो है वो मौजूद है। आजकल तो मेरा ख्याल है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के आला कार का किरदार अदा कर रहा है वो इमरान खान है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ पूरी तरह से मुतहद है। नाजरीन, ये थे राणा सनाउल्लाह साहब, पंजाब के वजीर कानून। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें अभी तक ठंडी नहीं हो रही हैं और इस्लामाबाद में अफवाहों का बाजार गर्म है कि हुकूमत के अंदर ही तब्दीली आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, इन अफवाहों को कुछ बयानबाजी और सियासी हलचल ने और भी तकवीत दी है। कल ही परवेज इलाही ने एक इंटरव्यू में कहा कि इनके राबते में 70 से ज़ायद मेंबर कौमी असेंबली हैं जो इस माह ही इनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। क्या ये फॉरवर्ड ब्लॉक सिर्फ मुस्लिम लीग नून से ही निकलेगा? सिंध में भी जरदारी साहब के करीबी साथियों के गेट घेरा तंग हो रहा है। आज शर्जील मेमन को एहतसाब अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है और इमरान खान ने उजैर बलोच के आसिफ जरदारी और इनकी बहन फरियाल तालपुर पर इल्जाम की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। तो बड़ी जमातें जो इस मुल्क के अंदर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके लिए सियासी मैदान तंग होता नजर आ रहा है। तहरीके इंसाफ की क्यादत भी अदालतों के चक्रों में उलझी नजर आती है और अमेरिका भी डू मोर का मंत्रा लेकर पाकिस्तान पर हावी है। लेकिन आज ही वफाकी वजीर दाखिला ने मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत होने का दावा फिर से कर दिया। और अदलिया का एहतराम किया जाना चाहिए, वो हमारे कौमी इदारे हैं और वो बहुत मोहतरम है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पार्लियामान और जमहूरियत इस मुल्क के अंदर फुटबॉल खेलने की चीज है। पाकिस्तान अब एक डगर पे चल चुका है और अब इंशाल्लाह ताला क्यामत तक यहां पर कोई सिस्टम को डीरेल नहीं करेगा। मार्च भी आएगा और गुजर जाएगा और 4 या 5 जून को ये असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी और हम पाकिस्तान की तारीख में दूसरी दफा पूरी दुनिया को ये मैसेज देंगे कि अब पाकिस्तान इज ए स्टेबल डेमोक्रेसी। नाजरीन, क्या वाकई में पाकिस्तान एक स्टेबल डेमोक्रेसी है और एक डगर की तरफ चल पड़ा है या कि फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं? और क्या वाकई हर सियासी जमात में एस्टेब्लिशमेंट की सोच रखने वाले मौजूद हैं और सरगर्म हैं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असेंबली चौधरी जाफर इकबाल साहब, स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तहरीक इंसाफ की नुमाइंद कर रहे हैं सीनियर रहनुमा इसाक खाकवानी साहब, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के दौरान हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन से, मगर सबसे पहले आपकी जानिब आती हूं चांडियो साहब। जब राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की सोच रखने वाले हर जमात के अंदर मौजूद हैं और इमरान खान साहब जो हैं इस सोच की तर्जुमानी करते हैं, आज ही सिंध में उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो जरदारी साहब हैं वो एक बहुत बड़ी बीमारी हैं, तो आप राणा सनाउल्लाह साहब के बयान को कैसे देखते हैं? राणा साहब कई बार ऐसी बातें की हैं कि मैंने ऑन एयर कहा है कि वो बड़ी हिम्मत से बोलते हैं। अच्छा, एक बार उन्होंने डॉक्टर आसम के मुतल्लिक मेरे प्रोग्राम में थे, जो उन्होंने बात की तो मैंने उसी वक्त कहा ये बड़ी जुर्रतमंदाना गुफ्तगु है, वैसे भी अच्छा बोलते हैं, पर लेकिन जो जहन में सोच है जिस पार्टी के हैं
उस पार्टी की तो तर्जमानी नहीं छोड़ेंगे, उस पार्टी का तो नहीं छोड़ेंगे। तो उनकी पार्टी का जो रूह है वो जबूरी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ मियाँ साहब ने आकर पहली बार मुस्लिम लीग को जमात बनाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब में क्या किया? पंजाब असेंबली में काफ लीग पूरी को पूरी अपने लोटा बनाकर जो शामिल किया, तो एक फिर वही रवायत कायम की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से जो उन्होंने इनराफी की, फिर उसी राह पे चलने के लिए लड़ाई वाली इंतकामी वाली तसादम वाली राह। अभी क्या किया उन्होंने? अभी जिस अंदाज से अदलिया के सामने खड़े होकर अदलिया को गालियां दी हैं, अफवाज पाकिस्तान के लिए एक फिजा बनाई है, अपने ही वफाकी वजीर जो है वो धज्जियां उड़ा रहे थे आईन और कानून की, तो ये सारी बातें हैं। वरना शख्सी तौर पे मैं सना अल्लाह साहब के खिलाफ नहीं हूँ, मगर चांगियो साहब इमरान खान साहब ने भी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा, बल्कि सिंध का दौरा किया, उन्होंने कहा कि जो कराची है कचरे का ढेर बन चुका है, और जरदारी साहब जो है वो सिंध की सबसे बड़ी बीमारी है। तो इन स्टेटमेंट्स को आप जी, राणा सनाउल्लाह सियासी शख्सियत है और पीपल्स पार्टी में भी रहे, अभी भी वहां बड़ी हिम्मत से नहीं, ये इमरान खान साहब ने कहा अलग चैप्टर है। मैं ये कह रहा हूँ उनका अलग चैप्टर है, वो बात ऐसी निकली। खान साहब जो है, खान साहब आजकल मैंने समझा उंगली से इनकी नजर हट गई है, उंगली से नजर इनकी नहीं हटी है, अब उंगली नजर आए नहीं आए, इसलिए इन्होंने एक बार देख लिया है, अब उसको पकड़ के बैठे हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। बीबी याद कर ले, कौमी कयादतें गमलों में नहीं उगाई जाती, ये गमले में से उड़ कर लीडर बनना चाहते। और जहां तक तल्लुक है आसिफ साहब पर उनका बोलने का, मैं तो हैरान हूं इस मर्दाना चेहरे से उनको खौफ आता क्यों है, क्यों उनके चेहरे पर बात करते हैं, लीडरों की उम्रों पे बात करते, क्या इनको एहसास है कमतरी है जिसकी वजह से वो डरते हैं जरदारी साहब के चेहरे से? उनको बिलावल साहब भी की उम्र भी नहीं लगती, मियां साहब की साहबजादी है उनकी उम्र से खायफ है, शहबाज शरीफ का बेटा है, उन ये मामला कोई है, इनका नफ्सियाती मामला है नहीं, ये लीडर ऐसे है ही नहीं, हमें नहीं देखे, हमें कोई खौफ नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? किसी को आसिफ अली जरदारी साहब से कोई खौफ नहीं है। पंजाब में इन्होंने बड़ा ढूंढ भाल के कमर जमान कायरा साहब को पंजाब की सदारत दी, और बड़े उस वक्त फिर उन्होंने दो रैलियां निकालने की कोशिश की, एक बिलावल साहब को लेके गए लाहौर से फैसलाबाद, और कोई रास्ते में 10 बंदे भी कहीं इकट्ठे नहीं हुए। फिर एक उन्होंने शो लाहौर में किया था नासिर बाग में, पूरे पंजाब से 4 लोग इकट्ठे हों और चंद लोग इकट्ठे हुए, और अभी जरदारी साहब की क्यादत और जियादी साहब की सोच लाहौर में हमने मुकाबला किया। चांडियू साहब ऑन एयर बता दें कि 1700 कितने वोट मिले थे इन्हें, ये अभी जो 120 का अच्छा, ये एक और बहस है जाफिर साहब, ये एक और बहस है, मगर जरदारी साहब से किसी को खौफ, जरदारी साहब से किसी को खौफ यही होगा ना कि मुझे इलेक्शन हरा देंगे, मुझे पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने देंगे। जी जी, इधर इसाक खाकवानी साहब, नहीं मैं आपकी जानेब आऊंगी, फिर से आपकी जानेब आऊंगी चांडियो साहब। इसाक खाकवानी साहब, आज जो राणा सनाउल्लाह साहब, बात तो पूरी कर ले, अच्छा बात आप पूरी कर, बात पूरी कर ले, चले ऐसे करेंगे। देखिए ना, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो एक पार्टी के रहनुमा है, मुदाखलत करना अच्छा नहीं है। अगर आप भी पढ़े लिखे लोग भी एक दूसरे की मुदाखलत करोगे, आपको दुनिया देख रही है। जिन मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद में आपके साथ कितने लोग थे? 7000 कुर्सियां थी, टीवी ने दिखाया खाली थी, मकामी आदमी नहीं थे हैदराबाद के, भाग गए खान साहब, दावत भी मेजबानों की नहीं खाई। ऐसे बात ना करें, हमने जलसा किया, आप करें मुकाबला। अच्छा इधर आप दादू में जलसा करके क्या मुकाबला? अच्छा करते? इधर ये बात ना करें हम, मैं सियासी बात कर रहा हूँ, मैं सियासी बात कर रहा हूँ कि आपका जो लबो लहजा है वो रहनुमा वाला नहीं है। अच्छा, इसाक खाकवानी साहब, उम्रों पे बात, ये क्या इसाक खाकवानी साहब, ये तो शिकायत मुस्लिम लीग नून भी करती है, और ये शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती है कि खान साहब का जो लहजा है वो लीडरों वाला नहीं है, किसी की शक्ल के ऊपर बात करना, किसी की उम्र के ऊपर बात करना, क्या जेब देता है इतने बड़े लीडर को? बीबी, जो इतने अरसे से एक हकूमत में का हिस्सा है और जिस तरह उन्होंने मुल्क के साथ जो कुछ किया है वो सब पर आया है। अगर आप ये हजरात और बिलशमूल मेरे, मैंने तो अपनी पार्टी चाहे ख़राब भी कर रही हो तो मैंने तो कहना है कि पार्टी ठीक कर रही है, इसी तरह नून लीग भी कि यही कहेगी, चांदियो साहब भी यही फरमाएंगे,
गुजारिश है कि ग्राउंड पे तो देखें कि आपके खिलाफ क्या क्या इल्जामात हैं, आपने कहाँ से पार्टी विरसे में ली। जब बेनज़ीर साहिबा फौत हुई उस वक़्त आपको ये विरसे में मिला, आप भी तो उस वक़्त क्योंकि आपकी भी तो कोई पोजीशन नहीं थी जरदारी साहब की, जब 2008 में ये हादसा हुआ और आप लोग सदर बन गए और आपने जो सदर होने के बाद पार्टी के साथ जो कुछ किया और लोगों के साथ जो कुछ किया वो आया है, उसके ऊपर मैं इस वक्त बहस करूं। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब अब आइंदा इनको कहेंगे मोहतरम बिरादरम चोर साहब अस्सलाम अलैकुम आप खैरियत से हैं, तो फिर मुनासिब रहेगा। जब एक आपके खिलाफ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सुप्रीम कोर्ट से अवामी अदालतों से दोनों हजरात पर एक बड़ी एक नुमाया सवालिया निशान हो रहा है कि आपने मुल्क के पैसे और सर महल बना लिया और बाकी चीजें बना ली, तो आपको क्या कहा जाए, आपको क्या कहने मोहतरम भाई साहब साहब। देखिए ये बहस ना हासिल है मुल्क के लोगों के साथ, अगर ना इंसाफी बहस जो है लोगों को खड़े होकर करने पड़ेगी। अगर इफ यू जेंटलमैन कैन जस्ट लिसन टू मी, ये बहस जो है वो ला हासिल है। मेरा सवाल ये था एंड आई विल गो बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन कि जो राणा सनाउल्लाह साहब ने आज एक स्टेटमेंट दे दी है और ये कहा है कि जी हर सियासी जमात के अंदर एस्टेब्लिशमेंट सोच रखने वाले लोग हैं, क्या आप उसे इत्तेफाक करते खाकवानी साहब? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये एस्टेब्लिशमेंट का क्या बात करते हैं, आपके और ये जो भाई समान सारे बैठे हैं इनके घर में एक थानेदार की अच्छी पोस्टिंग हो जाए तो ये किसी से हाथ नहीं मिलाते, ये खुश हो जाते हैं कि हमारा डीसी आके लग गया है, ये सारा दिन वहाँ बैठ के दफ्तर में उनकी खुशामदें करते हैं। तो ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और इनके अंदर बहुत सारे लोग और वोटर भी इसी तरह है। अगर वोटर को कहा जाए कि आप वोट दें इंसाफ के लिए ईमानदारी के लिए, तो वो भी वोट नहीं देता, वो भी वोट उनको देता है जिनसे वो कोई हासिल वसूल कर सके। तो अच्छा, ये मुआशरा कितने अरसे से 70 साल से इस पोजीशन में जा रहा है। अच्छा, तो एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी 10-15% पाकिस्तान के हर कोने में हैं वो मौजूद हैं, उन्हीं की वजह से इलेक्शन में फर्क भी पड़ जाता है और लीडरान भी ऐसे हैं। खाकवानी साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, और आज सुबह राणा सनाउल्लाह साहब ने ये इल्जाम लगाया और कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद बेबुनियाद इल्जामात हमारे पर लगाते हैं। मगर चौधरी शुजात साहब, कल ही आपके भाई परवेज इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि 70 से ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं जो आपसे राबता कर रहे हैं। वाकई में ऐसा है और इसी महीने फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, आपकी जानेब आएंगे सारे? फॉरवर्ड ब्लॉक का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जरा गिनती की बात है। इस वक्त जो कैबिनेट फेडरल कैबिनेट है उसमें तकरीबन 10 और 12 मिनिस्टर ऐसे बैठे हैं जो कि मेरी कैबिनेट में भी थे जब मैं चंद माह के लिए वजीर आजम बना था। तो आप हिसाब लगा लें, और इसी तरह 40-50 मेंबर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग से नून लीग में गए हैं। मगर क्या आप समझते हैं कि ये फॉरवर्ड सबका मैसा तलक था? नहीं, ये ताल्लुक तो होगा मगर जाहिर है वो अपनी वजारतें छोड़ के आपके पास तो नहीं आएंगे, तो इस वक्त क्या बातचीत हो रही है उनसे, उनके साथ आपकी? नहीं, वजारतें छोड़ के मेरे भी जीत है गए हुए मार्शल से भी आना होना। नहीं, मैं समझी नहीं आपकी बात, कोई बात मेरे भी जो मैं थोड़ी चंद माह के लिए बना था जी, उस वक्त ये 10 वजीर ऐसे हैं जो इस वक्त अब्बासी साहब की कैबिनेट में है, वो मेरे मेरे आदमी से मेरे वजीर से। अच्छा, मगर आप ये नहीं कह रहे कि शायद वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने तो इसकी तरफ इशारा दिया है कि नून लीग के अंदर से ही फॉरवर्ड ब्लॉक निकलेगा। वो निकलेगा, सब पता चल जाएगा सारा कुछ, अभी कहने वाली बात नहीं होती, इंशाल्लाह ठीक होगा जो होगा। अच्छा, और जो आप शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान बयानबाजी देख रहे हैं, बार बार शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि महाजा राय नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? आज भी उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुलाकात की वजीर आजम से और कहा कि महाजा राय नहीं होनी चाहिए इदारों के साथ। ये सारी कोई ऐसी बात नहीं है, उनको मैं कोई खिलाफ नहीं है। शहबाज शरीफ जो है ना वो नवाज शरीफ के सामने जीरो है, ये आपको नोट कर रखना चाहिए। अच्छा, कभी भी इसे खिलाफ नहीं जाएगा। अच्छा,
चौधरी शुजात साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने थोड़ा सा वक्त दिया। तो जी चौधरी शुजात साहब ने भी कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के सामने जीरो हैं। अगर ये बातें सारी सच्ची हैं तो दूसरी तरफ से ये भी बात बार बार आती है कि जी शहबाज शरीफ साहब को क़यादत संभाल लेनी चाहिए, तो दो किस्म की राय तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। देखिए जी, हर शख्स को अपनी राय रखने का हक हासिल है। इस सवाल से पहले मैं दो बातें, एक आपने परवेज लाई साहब का कहा कि जी 70 से ज़्यादा लोग उनके साथ, तो खुशकिस्मती से मेरा और परवेज लाई साहब के हलके के बॉर्डर भी मिलते हैं, एक ही ज़िला है। और वो राणा सनाउल्लाह साहब ने जो पहले बात की कि वो एस्टेब्लिशमेंट की आवाज़ थे और बिल्कुल सबको पता है थे, आज वो अपनी यूनियन कौंसिल, अभी आपने बहुत बड़ा तबसरा मांगा चौधरी शुजात हुसैन साहब, ज़िला गुजरात, गुजरात शहर हेड क्वार्टर, वहाँ की 15 यूनियन कौंसल्स में से 2 से ज़्यादा यूनियन कौंसल्स नहीं चौधरी शुजात साहब जीत सके, इनकी पार्टी जीत सकी। अपने घर जिसके अंदर जहूर पैलेस है वो यूनियन कौंसल नहीं जीत सकी, और वो 70 एमएलए के, वो तो कह रहे हैं कि उनके ताल्लुकात हैं 10, उन्होंने कहा कि जी 10 ऐसे मिनिस्टर हैं जो उनसे बात करें। ताल्लुक होना और बात है किसी को जानना, वो कौमी असेंबली के मेंबर रहे, मैं कौमी असेंबली का मेंबर हूँ, मुझे पूरा ऐवान जानता है, कल को मैं कहूँगा जी लोग मेरे पीछे, लोग लीडर्स के पीछे आते हैं। ये चौधरी परवेज लाई साहब अपने आप को किसी भी सतह पे लीडर साबित नहीं कर सके। चौधरी शुजात साहब ने वो बात मनफी अंदाज में कही कि जीरो हैं, भाई कभी जीरो नहीं होते, भाई ताकत होते हैं, कुवत होते हैं, और मियां शहबाज शरीफ कुवत है मियां नवाज शरीफ की, और मियां शहबाज शरीफ साहब के 5 साल के काम की बुनियाद पे हमने 2013 वाला इलेक्शन लड़ा। और ये जो अफवाह साज फैक्ट्रियां बाहर और बातें करने वाले, कत्तन कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, ये तो लोग कब से, जब धरना सियासत शुरू हुई थी तब से ये कह रहे हैं। ये मौला बख्श चांडियो साहब, जाफर साहब तो यही कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, मगर फिर भी अफवाहें गरम हैं। आपने देखा कि रियाज पीरजादा साहब ने भी स्टेटमेंट दी कि जो छोटे भाई हैं उनको क्यादत संभाल लेनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्या ये हुकूमत मार्च इलेक्शंस तक रह पाएगी या कुछ तब्दीली आएगी? देखिए मुस्लिम लीग बहुत कम अरसा एक पार्टी लगी है, चूचू का मुरबा होती है। पहली बार मैं एतराफ करता हूँ, पहली बार मियां साहब ने इसको एक सियासी पार्टी बनाया, उसका चेहरा दिखाया, लेकिन मियां साहब ने भी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए फिर चूचू का मुरबा शामिल किया था। तो मैं समझता हूँ इंतजार हो सकता है। मैं सिर्फ खाकवाली साहब की बात का जरा सोच रहा हूँ कि मैं समझा कि सिर्फ ये बेचैनी खान साहब की जात में है, ये तो तमाम के तमाम लोग बेचैन है, बड़ी जल्दी है इनको, और कैसे अंदाज से सिर्फ वो तलखी और तोहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल नहीं करते, ये तो सबके सब बोल रहे हैं, हमें नहीं पता, पूरा पाकिस्तान जानता है जो इमरान खान साहब पर, इमरान खान की पार्टी की खवातीन इल्जाम लगाती हैं, वो कोई छुप ढकी छुपी बात रह गई। और फिर हमारे पर आप इल्जाम लगाते इतने बड़े, आप इतने छोटे से घर के पैसों का नहीं बता सक रहे? सारे लीडर कहते हैं इन्होंने की सारी उम्र की कमाई पूंजी है, अभी का नहीं, वो जो हक महर दिया है इनको जमाए माने उस हक महर में से लिया। मगर मजाक जैसी बात, मगर चांडियो साहब नहीं, आप सुने, मैं सुने, आप सुने, सुने मेरी राय क्या है। ये बातें छोड़े, को भी सलामती की बात करें, लोगों के मसाइल की बात करें, सियासी इस्तेहकाम की बात करें, ये क्या आप चेहरों पे, जातियात पे, घरों पे, खवातीन पे बात कर रहे हैं? जो लीडर अपने बच्चों की तादाद सही नहीं बता सकता वो कौम के साथ क्या सच बोलेगा? अच्छा इधर चांदियोर साहब, मुझे एक वक्फा, चांदियोर साहब मुझे एक वक्फा लेना है, मगर इस वक्त जो घेरा है वो सिर्फ इमरान खान साहब या मियां नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द तंग नहीं हो रहा, जहां तक कोर्ट्स के मामलात हैं आपकी जमात के ऊपर भी तंग हो रहा है। शर्जील मेमन साहब जो है वो नैब के रिमांड के अंदर चले गए हैं, उनका क्या होगा? नैब के जो इस वक्त चेयरमैन है उनको आपने तंकीद का निशाना बना दिया मगर नामजद आपने ही किया, इस पे सवाल करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक चांडियो साहब, एक बात से मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूं कि एक तरफ से आप लोगों ने ही नैब चेयरमैन को नामजद किया, दूसरी तरफ से जब शर्जील मेमन को नैब ने हिरासत में लिया तो तब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ट्वीट कर दी कि जी दो किस्म के कानून हैं, एक ही फर्द के लिए दो कानून है, जब नैब लॉ की बात करते हैं पंजाब के अंदर अलग कानून लगता है, सिंध के लिए अलग। तो जब आपने नामजद किया था तो फिर क्या रोना? अच्छा दो मिनट एक आपसे एक पहले गुजारिश कर दूं, एक तो दूसरे दोस्त हमारे मुदाखलत करते हैं, मुझे पता है जाफर इकबाल साहब का,
वो बड़े अच्छे हैं और वो दूसरे भी हमारे खाकवानी साहब भी, हमें एक दूसरे की मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, मौकफ रखने का मौका देना चाहिए और आप भी मुझे मौका दें। देखें अगर हमने उनकी हिमायत की है, उनके तकर्रुर का में हिस्सा लिया है, तो हम उनके खिलाफ कोई बगावत कोई अलम नहीं खड़ा कर दिया, उसको कोई नाहल के नहीं करवाने की बात करते। अपने ही इदारे के सरबराह के सामने अगर हमारे तहफ़ुज़ात हैं तो रखने में क्या अर्ज है, इसमें तौहीन ही क्या हुई है। हमारे एहतजाज में हमारे तहफ़ुज़ात के इजहार में मियाँ साहब के खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को, अफवाज पाकिस्तान को और नैब को गालियां देने में जमीन आसमान का फर्क है। हमने कोई ऐसी बात नहीं की। अब आप आए मेरे चेयरमैन बिलावल साहब, उन्होंने बात गलत नहीं की। जब सुप्रीम जब नैब के लिए एहतसाब के लिए सब मरियम बीबी जाए, हमें हमें बच्चों की तरह बहनों की तरह, मियाँ साहब की बेटी, हमने हमारे कल्चर में ख्वातीन को गालियां देना अच्छा नहीं है, ख्वातीन को तोहिन हम नहीं करते और न हमारे कायदीन पसंद करते, हम नहीं कहते। लेकिन मैं कहता हूं जब बीबी जा रही थी तब कानून दूसरा क्यों था, जब बेगम साहबा को लाठियां मार रहे थे तब कानून दूसरा क्यों था, और अब मियाँ साहब के दामाद को जिस अंदाज से ले गए, बीबी मरियम जैसे सलामी अच्छा। चली गई चले सुने सुने नहीं चांडियो साहब मुझे मुझे तो मुदाखलत करने देना एक सेकंड जी हाँ एक सेकंड बात पूरी करूं। हमें एहतसाब से इख्तलाफ नहीं है, हमें आपके तरीके कार से इख्तलाफ है कि हमारे साथ दूसरा रवैया क्यों है, उनके साथ दूसरा क्यों, ये बात ठीक है। इसहाक खाकवानी साहब, क्या आप भी यही समझते हैं कि नैब ने एक और रवैया इख्तियार किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और एक और रवैया इख्तियार किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? बिल्कुल सही है। अच्छा आप मुत्तफिक हैं? मैं अलकर और भी बात तो करने दीजिए जी, पहले हाथ कर रहा हूँ कि बिल्कुल उन्होंने जितना वीआईपी ट्रीटमेंट नैब ने दी है मियां साहब को पिछले इस महीनों में, और जिस तरीके से उनके साथ कोर्ट में वहाँ पर जो जो अपना जिसने इल्जाम और जुर्म फर्द जुर्म लगाया, उन लोगों ने ऐसे बाकी किसी मुल्जम के साथ ऐसा नहीं किया जैसे वो इनके साथ उनको बदतरी की चीजों पे उनके साथ कर रहे थे, और वो जिन लोगों के खिलाफ केसेस थे उनको ना गिरफ्तार किया गया ना उनको अपना वो खुलेआम फिरते हैं, उनको बार बार बुलाया जाता है वो हाजिर नहीं होते, तो इस किस्म की चीजें तो हो रही है। मगर बात यह है कि चांदी साहब को जरा मेहरबानी करके आराम से तसल्ली से बात सुने कि अगर आपने अभी कहा कि बड़ा शाइस्ता और माहौल होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपने उसके इमरान खान की बीवी बच्चे और सारी चीज़ें गिन दी और उधर से आप लोगों को तलकीन कर रहे हैं कि इंसाफ के साथ चलना चाहिए और हमें महज़ब तरीके से बात करनी चाहिए, और इधर वो ख्वातीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया खामखा, ना उसकी कोई अपना वो सेहत है ना कोई चीज़ है, कि एक गलत चीज़ के बारे में आप तशहीर कर रहे हैं टीवी प्रोग्राम में, आप स्पोक्स पर्सन होते हुए, ये मुनासिब नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये चीजें आपस में एक सेकंड आप सुने ना अब ना अगर आप देखे मैंने आपने जितनी बात की है मैंने जितनी बात की ना अभी आपने कहा कि हमें बात करने दें, अभी आप जवाब दें अपने वक्त पे जवाब दें। चाटिया साहब ये नहीं हो सकता कि आप दोनों हर जब हर लफ्ज के लिए आप तकदीर के लिए खड़े हो जाए, आपने ये बात की है आपने बात की है अब आप सुने और आप मेहरबानी करके जिस तरह के सीनियर आदमी होते हुए जिस तरह लोगों को आप तलकीन कर रहे हैं और उनको तहजीब सिखा रहे हैं कुछ आप अपने मेहरबानी करके देखें रवैये को कि आपने अभी क्या दो मिनट अभी टीवी पे अब क्या कहा है। लिहाजा अभी भी बात यह है कि इस वक्त सब इस हमाम में बहुत सारे लोग नंगे हैं और वो यहाँ पर लोगों की कोई हाल सुनने वाला नहीं है, उनकी परेशानियाँ उनके साथ लूट खसूट उनके साथ इतनी ज्यादतियाँ हर जगह पर हर अच्छा। जगह पर इतने 30 साल इनकी हुकूमतें हो गई हैं और अभी तक लोगों के लिए कुछ नहीं किया। कारकर्दगी की एक और बात है पाकवानी साहब, कारकर्दगी के ऊपर बाकी में सबके ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं, मगर मैं आपसे पूछूंगी ये बताइए कि आपने भी हमने देखा है कि कोई ना कोई कोशिशें तो की हैं कि मामला फिर से ठीक हो गए। सितंबर के अंदर हमने देखा था कि मलिक रियाज साहब गए थे रायवंड, क्या बात करने गए थे?
मियां साहब ने उस वक्त भी वजाहत की थी कि मैं मियां नवाशी साहब की अहलिया की सेहत ठीक नहीं और उनकी सेहत का दरियाफ्त करने के लिए गया हूँ, और मियां साहब ने भी यही जवाब दिया था। और दो सियासी लोग इकट्ठे हो जाएं तो सियासत की बातें तो होती हैं, होंगी बातें बहुत सारी होंगी, यकीनन की होंगी, इस मुल्क की होंगी, मुल्क के हालात की होंगी, मुईशत की होंगी, क्यों नहीं करेंगे। एनआरओ की बात तो नहीं हुई? मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब किसी इस तरह मोहताज हैं किसी के ऐसी बात के, और या मियां नवाज शरीफ साहब को किसी एनआरओ की ज़रूरत है। हमें सिर्फ बैलेट बॉक्स तक पहुंचना है, बैलेट बॉक्स तक ज़िमनी इंतखाबात में पहुंचे तभी रिजल्ट आपके सामने, और इंशाल्लाह 2018 में पहुंचेंगे तभी आपके सामने। मगर ये जो कहते हैं कि इम्तियाजी सलूक हो रहा है नैब के जरिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, अपने अपना जाविया है और अपना अपना नुकता नज़र है सबका देखने का। कैप्टन सफदर साहब को भी एयरपोर्ट से पकड़ा, वैन में बिठाया, लेके गए, और जब अदालत के जज ने जमानत दी तब वो बाहर आए। यहाँ अदालत के जज ने जमानत नहीं दी तो यकीनन बाहर नहीं आना था। वो 6 घंटे अंदर बैठे रहे शर्जील मेमन साहब के, बाहर शायद कोई बहुत बड़ा अवामी लाओ लश्कर इकट्ठा हो जाएगा और अदालत किसी प्रेशर से मजबूर हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। और बिल आखिर अगर ऐसा फैसला आया है तो जरूरत के साथ सामने, फैसला हमारे खिलाफ भी आया 28 को, हमने इस्तीफा दिया, हमने असेंबली के अंदर से नई गवर्नमेंट दी और हम आगे आए और अगला लाहे अमल अपना सियासी दिया। तो शर्जील मेमन साहब 6 घंटे बैठे रहे अदालत में तो अदालत वो जो एहलकार थे वो साथ ना ले जाते क्या करते। कैप्टन सफदर साहब को एयरपोर्ट से पकड़ा, लेके गए नैब के हवालात में, और जब अदालत ने जमानत दी तब हुई, और फिर बार बार मरियम बीबी और मियां नवाज शरीफ के वहाँ पेश होने का, ये सारी हिस्ट्री हम सबको पता है। चांडियो साहब आपकी जाने बात की, आपसे भी वही सवाल कर लेती हूं, आपसे मैं आपकी जाने फिर से आऊंगी। एक मिनट मुझे वजाहत करने दें। अगर मरियम बीबी और मियां नवाज शरीफ अपने साथियों के साथ एहतसाब अदालत जाते हैं और अदालत कहती है 10 लोग जाएंगे, 10 जाते हैं, हम सब बाकी बाहर सड़क पर खड़े होते हैं, वहां खड़े होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अदालत की एक एक चीज को हम मानते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उस चीज को ना माना हो। वैसे एक बात तो ठीक है चांडियो साहब कि सिंध हाई कोर्ट ने इनकी बेल कैंसिल की ना शर्जील मेमन साहब की, तो फिर बिलावल साहब की जो ट्वीट है किसी को समझ में नहीं आई। ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगी, आपको हक पहुंचता है जो आप तजिया करें। हम फिर कह रहे हैं मामला एहतसाब का नहीं है, तरीके कार क्या था, किस संदा से घसीट रहे थे, किस संदा से कपड़े फाड़ रहे थे, क्या यही घंटे अंदर ना रहते बाहर चल के आ जाते, जुरत का मुजाहरा करते, सियासी कारकुन है अपनी पॉलिटिकल विल दिखाते। चौधरी साहब बड़ा मुझे दुख हो रहा है, बहुत मुझे दुख, आपको पता है आपके साथ जो मेरा रिश्ता है मुझे बहुत दुख हो रहा है। बहादुरी है पीपुल्स पार्टी में, बहादुरी मियां साहब में भी नहीं है। एक दिन के जेल में गए, रोते रहे दोनों भाई मिल मिलकर। आप छोड़े इन बातों को, हमें याद न दिलाए। मगर चांडियो साहब, आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं, सुनिए तो सही, आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं। आपकी लीडर ने एक दफा मिसाके जमहूरियत की बात की थी, उन्होंने ही साइन किया था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में। अब मुझे ये बताइए कि कुछ अफवाहें ये भी गर्म है कि आप लोगों का पैचअप हो रहा है, हमने देखा कि सितंबर के अंदर मलिक रियाज साहब गए, कुछ लोग कहते हैं एनआरओ की बातें हो रही थी, कुछ लोग ये कहते हैं कि जरदारी साहब से कोई मैसेज लेके गए कि मामला ठीक हो जाए, या नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि जरदारी साहब से मिले, आप भी कोई बात करें, क्या मलिक रियाज साहब वाकई में ब्रिज बन गए हैं पीपीपी और पीएमएलएन के दरमियान? सियासतदान है, ताल्लुकात बीच में लोगों के हैं, मिल सकते हैं, अभी ऐसी कोई बात, लेकिन मैं मंझे हुए सियासतदान का मतलब क्या है, कयादत को गालियां मिलती रहेंगी और मैं खामोशी सुनूंगा, मैं मंझावा सियासतदान हूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको कह रहा हूं खाकवानी साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ये भी मंझे हुए सियासतदान की एक निशानी होती है चांडियो साहब। मैंने जवाब दे दिया, तालुकात वाले बीच के मुश्तरका तालुकात लोग होते, ऐसी कोई बात है नहीं। इमरान खान साहब के जब धरना दिया तब हमने ओपन उनकी मदद की, तब वो जमहूरियत और पार्लियामेंट की मदद थी, उनके बाद उनका वही तकबर वाला तरीकेकार था। मैं कह रहा हूं खाकवानी साहब वाली बात, वो मेरे साई है, मैं ये कहता हूं तरीकेकार की, आप 4-5 महीने की तकीरें बिलावल साहब की, आसिफ साहब की सुन ले, हम तो छोटे कारकुन है,
कहीं वो इस अंदाज से नहीं बोलते। अच्छा, इनको अब चार पांच अच्छा चांदियो साहब वी गेट योर पॉइंट। देखिए ना ये बदतमीजी वाली बात की खाकवानी साहब भी कहते हैं कि बात जो है बदतमीजी किसी को नहीं करनी चाहिए, हर कोई इस पे मानेगा, मगर खाकवानी साहब आपकी जानिब आती हूँ। जो मैंने अपना पहला सवाल किया था, देखिये क्या सियाराइयां हो रही है, आप तो लाहौर शहर में बैठे हुए हैं, वहां पर ये बात होती है की जी सेनेट इलेक्शन तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, वहां पर ये बात होती है की फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, वहां पर बात होती है की शहबाज शरीफ साहब इज नॉट ऑन द सेम पेज एज नवाज शरीफ साहब। आप क्या समझते हैं कि ये जमहूरियत का तसलसल जो है वो जुड़ा हुआ है, या आप समझते हैं गवर्नमेंट हुकूमत के अंदर तब्दीली आ सकती है? जी जी, देखें बीबी, जब से ये नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई है और वो उनको वजीर आजम की पोस्ट से हटाया गया है, तो उसके बाद कोई आदमी ऐसे कदावर पार्टी में नहीं था जिसको अवामी ताईद हासिल हो। और वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो उनके एक नॉमिनी हैं, वो तो अभी भी खुद भी कहते हैं कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मेरा प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ है। लिहाजा जब अवामी ताईद नहीं होगी एक शख्स के अंदर जो कि वो सारे 342 के हाउस को इकट्ठा रख सके और प्राइम मिनिस्टर उसको चारे सूबों में भी उसकी इज्जत हो और उसको माना जाए, तो ये लोग ये एक फितरी बात है कि लोग कहेंगे कि ये हुकूमत के चलने के सबब नहीं है जो कुछ हो रहा है, ये हुकूमत में फलां फलां हजरात कोशिश कर रहे हैं कि वो इनकी सीट पर कब्जा कर लें, उनके बुजुर्ग भी खड़े होकर उनको तलकीन कर रहे हैं कि आप टेक ओवर कर लें। इस किस्म के जब पार्टी के अंदर लोग बात करेंगे तो लोगों में यही तासर होगा कि ये फ्रांसी की वजह से कर रहे हैं, हर जगह पर आप जैसे मुबसर सब यही बात करेंगे ना कि मगर हर जगह कि क्या होने वाला है, आजकल क्या होने वाला है, चार महीने के बाद क्या होने वाला है, सारे यही बात करेंगे। तो ये क्या सराइयाँ जो हैं वो हुकूमत की कमजोर पोजिशन होने की वजह से ये क्या सराइयाँ होती हैं, और इनको अंदर कोई भी नहीं समझ सकता कि यहाँ पर एक मजबूत हुकूमत है वफाकी जिसके साथ सारे सूबे एक बाहमी तौर पे इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। आप लोग नहीं देखते, आप नहीं देखते कि एक तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जो है वो घेरा तंग हो रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कोर्ट्स के चक्कर काट रही है कि मार्च तक शायद सेनेट इलेक्शन हो ना पाए। पीपल्स पार्टी के बीबी पीपल पार्टी के खिलाफ क्या घेरा तंग हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। अगर शलजीत मेमन का हाई कोर्ट ने कुछ चीज कैंसिल की है तो उन्होंने कौन सा नायब वालों ने उनको अपने पास बिठा के उनकी तफ्तीश शुरू कर दी, उनको जेल भेज दिया, दो दिन की तीन दिन के बाद हो जाएगा उनका। उज़ैर बलोच नहीं, नहीं, नहीं बात सुने मेहरबानी करके, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। अगर इस वक्त कुछ हो रहा है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब और उनके जो चंद हजरात उनकी फैमिली के हैं जिनपे सुप्रीम कोर्ट ने वो चीजें देखी जाएंगी, कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी तो सारा यहाँ एक अलावा अखबार में और टीवी में खाकवानी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो दबे लफ्जों में ये मान गए हैं कि मियां नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे तो चारों सूबों की हमायत भी थी और अवामी पजीराई भी उन्हें हासिल थी और उस वक्त हुकूमत मजबूत थी और अब उन्हें कमजोर नजर आ रही है। मियां नवाज शरीफ साहब को लीडर कहना आज मैं भी कहता हूँ, शायद खाकान साहब भी कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ के हम नॉमिनी हैं, इस पर कोई हमें ऐसा झिझक वाली बात नहीं है, हम मियां नवाज शरीफ का ही मिशन और विजन आगे लेके चल रहे हैं। मगर आज जो शायद खाकान अब्बासी साहब उनके ही भाई से मिले हैं, अगर मैं एक सवाल करूं जो उनसे मिले हैं, आज जो रायवंड के अंदर मिले हैं शायद खाकान अब्बासी साहब, ये अपना पीर दादा साहब ऐसी बात कर सकते थे अगर हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर मजबूत होता? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर हुकूमत सब मजबूत हैं, आप समझते हैं मुझसे सीनियर हैं, हर पार्टी और हर जगह मुख्तलिफ राह होती हैं। जब वजीर आजम का नाम आ रहा था, जब उस वक्त भी मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम आया, फिर पार्टी ने फैसला जो किया, जो मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया, मेरे पास बहुत उसको आगे लेकर चले। जाफर साहब सिर्फ ये बताइए कि आज शायद खाकान अब्बासी साहब जो मिले हैं मियां साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ से, उन्होंने ये कहा है कि इदारों के दरमियान महाजराई अच्छी नहीं है, उसके अंदर हमजा शहबाज भी मौजूद थे, दोनों इत्तफाक इस बात पे करते हैं। जब लोग कहते हैं महाजराई हो रही है तो इशारा होता है मियां साहब की तरफ और नहीं, बिल्कुल देखें बात यह है कि जब रेंजर्स वाला वाकया हुआ जिस दिन यहाँ पे एहतसाब अदालत में, तो कोई कहे कि हम ये ना कहें कि ये क्या हो रहा है तो और इसे इदारों से मुंसलिक कर लें, और बात रेंजर्स की हो रही थी, शाम को डीजी आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए, डीजी आईएसपीआर रेंजर्स के कैसे तर्जमान बनते हैं,
तो ये ऐसी बात नहीं है कि हमारी तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब की भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हमने इदारों से मुआजराई करनी है। ये क्या जरूरत पड़ी कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, मेरा ख्याल है थर्सडे को पहुंच रहे हैं, बात सही है कि नहीं जी? तो सऊदी अरब से क्यों होते हुए आ रहे हैं? मुझे पता है उनकी वालदा मोहतरमा पहले वहाँ उमरा के लिए गई हुई है, और मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी वालदा से और वालदे मोहतरम जब हयात थे जो उनके साथ लगाव है, आप जो उनके लोग करीब है, मुलाकात नहीं है, कोई सियासी मुलाकात नहीं है? मुलाकात अगर हो तो हर्ज वाली कौन सी बात है? अच्छा, तो हो सकती है, नहीं क्यों ना होगी, कोई पाबंदी है मियां नवाज शरीफ पे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सरबराहान मुमलकत वेटेज देते हैं, वो उन्हें पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, पाकिस्तानी अवाम का तर्जमान समझते हैं, वो उनकी बात सुनते हैं। चांदियो साहब बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में शिरकत करने का, इसहाक खाकवानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आज के लिए इतना ही, कल स्पॉटलाइट होगी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन के दौरे के ऊपर जो आज वो करके गए हैं, आज वो दिल्ली वापस रवाना हो गए हैं, क्या क्या हुआ, क्या खद्दोखाल है अमरीका और पाकिस्तान की बाहमी ताल्लुकात में, इस पर बात करेंगे, देखते रहिए स्पॉटलाइट।